नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खास पेशकश बिल्डर्स का रियलिटी चेक। ये तरक्की की चाहत ही है जो किसी इंसान को उसके गांव, उसके कस्बे, उसके शहर और उसके परिवार से दूर कर देता है। लेकिन इंसान की चाहत तरक्की के साथ साथ अपने परिवार के साए में जीने की भी होती है और फिर एक तलाश होती है एक अदद आशियाने की। गाजियाबाद अगर नोएडा की बात की जाए फुल फैसिलिटीज के साथ आशियाने की, तो एक ही नाम नजर आता है, साया ग्रुप। जी हाँ, हम अपने इस खास कार्यक्रम की इस कड़ी में आज बात करेंगे साया ग्रुप की, पड़ताल करेंगे, उनके डायरेक्टर से बात करेंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो पर आपको ले जाएंगे, यानी उनके प्रोजेक्ट्स पर, और पड़ताल करेंगे कि जो तमाम वादे साया ग्रुप ने किए थे अपने इन्वेस्टर से वो निभाए या नहीं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। जहां सपने पूरे होते हैं, जहां लोग कुछ कर गुजरने के लिए अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर आते हैं और मुकाम पर पहुंचने के बाद तलाश शुरू होती है एक आशियाने की। गगनचुंबी इमारतों में रहने का ख्वाब पाल बैठे लोग एक अदद ऐसे बिल्डर की तलाश में होते हैं जो उनकी जरूरत तो समझे ही, साथ ही उनके सपने को धरातल पर भी उतारे। ऐसा ही एक बिल्डर पिछले 18 सालों से लगातार लोगों की चाहत को चिन्हित कर जमीन पर उकेरने का काम कर रहा है। साया ग्रुप की शुरुआत साल 2000 में विकास भसीन ने की थी, ये सोचकर कि लोगों को मकान नहीं बल्कि घर देंगे, वो घर जिनका सपना वो अपने ख्वाबों में सजोते हैं। 2009 में पहली ग्रुप हाउसिंग लॉन्च की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। जिसके बाद अपने सफर में साया ग्रुप ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किए, जिसकी वजह से लगातार साया ग्रुप निवेशकों और दूसरे बिल्डर्स के बीच चर्चा में रहा। डिजायर रेजिडेंसी, साया जेनिथ, साया जियोन। साया ने गाजियाबाद के इंद्रापुरम में डिजायर रेसिडेंसी की शुरुआत की और 2011 तक तय वक्त पर अपने निवेशकों को हैंडओवर भी कर दिया, जिसके बाद निवेशकों का विश्वास साया ग्रुप के प्रति और गहराता चला गया। इस प्रोजेक्ट के बाद गाजियाबाद में ही साया ग्रुप ने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया। इंद्रापुरम में साया जेनिथ के नाम से ही लोगों के सपनों के आशियानों को उकेरने का काम शुरू किया और 2013 में निवेशकों को हैंडओवर भी कर दिया। इसके बाद साया ग्रुप ने गाजियाबाद के बाहर कदम रखा और नोएडा एक्सटेंशन में साया जियोन की शुरुआत की और इस बार भी तय वक्त यानी 2018 में लोगों को हैंडओवर कर दिया है। साया ग्रुप की प्राथमिकता एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू करना नहीं है। साया ग्रुप का मानना है कि प्रोजेक्ट चाहे एक ही हो लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला और समय पर निवेशकों को मिले। साया ग्रुप की इसी पॉलिसी ने निवेशकों में साया के प्रति विश्वास जगाने का काम किया है। फिलहाल साया ग्रुप के दो और प्रोजेक्ट जल्द ही लोगों के सपने पूरे करने वाले हैं, जो गाजियाबाद के इंद्रापुरम में लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। साया गोल्ड एवेन्यू, साया एस क्लास। 18 साल का साया ग्रुप का सफर कई माइलस्टोन तय कर चुका है और कई ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो लोगों के सपने जल्द ही पूरा करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए अब तक आपने देखा कि साया ग्रुप का कैसा रहा सफर। अब शुरुआत करते हैं साया ग्रुप का रियलिटी चेक। हमने अपने सफर की शुरुआत की साया ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस से, जो गाजियाबाद के इंद्रापुरम में है, क्योंकि आशियाने के सपने को पंख लगने का जो सिलसिला शुरू होता है वो यहीं से होता है। यही निवेशक अपनी तमाम चाहतों के साथ पहुंचते हैं और अपनी जमा पूंजी बिल्डर के हाथों में थमाते हैं। साया ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस का एनवायरनमेंट बेहद ही शांत और यहां के एम्प्लॉयज का व्यवहार बेहद शालीन दिखा।
हर एक क्लाइंट को एक एम्प्लॉई अटेंड कर रहा था। यही नहीं, प्रोजेक्ट की विशेषता के साथ साथ उनके तमाम सवालों के जवाब बेहद तल्लीनता के साथ दिए जा रहे थे। सबसे पहले निवेशकों की चाहत को गंभीरता से समझा और फिर उसी अनुसार उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा था। इसके बाद हम पहुंचे साया ग्रुप के सीआरएम डिपार्टमेंट में, जहां हमारी मुलाकात सीआरएम हेड अनीता कौशिक से हुई, जिन्होंने हमें साया ग्रुप के वर्किंग स्टाइल के बारे में विस्तार से बताया। जैसे ही बुकिंग हमारे पास आती है, कस्टमर्स को मेल के थ्रू, उनको फ़ोन कॉल पे उनकी बुकिंग की कंफर्मेशन ली जाती है। राइटिंग में सारे उनके बुकिंग के कंटेंट्स क्रॉस चेक होते हैं, ताकि सेल्स के पार्ट पर जो भी कमिटमेंट कस्टमर उनके बीच में हुई, वो सीआरएम एंडोर्स कर रहा है, और उस पर कस्टमर राइटिंग में हमें एंडोर्स करता है। उसमें उनका एग्रीमेंट वैल्यू, डेट ऑफ बुकिंग क्या थी, एग्रीमेंट वैल्यू क्या थी, पेमेंट प्लान उन्होंने कौन सा लिया, पेमेंट शेड्यूल उन्होंने क्या एग्री किया है, डेट ऑफ पोजीशन उनको क्या कमिट की गई है, ताकि बाद में कस्टमर को और कस्टमर और सीआरएम टीम के बीच में कोई किसी तरीका कॉन्फ्लिक्ट ना रहे इस इन्फॉर्मेशन को लेकर। एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे एक स्पेसिफिक अंडरटेकिंग और कन्फर्मेशन उनसे और ली जाती है कि फ्लैट देखते समय उन्होंने उस फ्लैट का एक सैम्पल फ्लैट देखा है, उस सैम्पल फ्लैट में जो भी उनको स्पेसिफिकेशंस दिखाए गए हैं, उनको उनके फ्लैट में वही स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी वो राइटिंग में एग्री करते हैं और साइन करते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा स्कोप ना रहे कि बाद में कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग में या एक्चुअल हैंडओवर डिलीवरी देते समय डिलीवरेबल्स में कहीं पे भी कोई डाउट रहे। किसी भी बिल्डर के लिए उसके निवेशक बेहद जरूरी होते हैं, जिसके लिए एक मजबूत टीम की जरूरत होती है। लेकिन उस टीम की जरूरत और टीम के सदस्य कैसे हों, ये सारी जिम्मेदारी होती है एचआर डिपार्टमेंट पर, क्योंकि किसी भी कंपनी की टीम जितनी सेटिस्फाई होगी, उतनी ही तरक्की वो कंपनी करती है। हमारी मुलाकात हुई साया ग्रुप के जनरल मैनेजर एचआर आशीष नौटियाल से, जिन्होंने अपनी टीम के बारे में बताया। हमारा जो पूरी टीम है बहुत ही यंग वाइब्रेंट टीम है हमारी, तो इसमें जैसे ही हम लोग किसी को टीम में इंडक्ट करते हैं, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा इंडक्शन शेड्यूल रहता है, पूरी सारी साइट्स हम उनको विजिट कराते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं सारी एचओडीज से, फिर उनको साया के बारे में बताया जाता है कि हमारी वर्किंग फिलॉसफी क्या है, हम किस तरह से काम करना चाहते हैं, हम कंपनी के लिए क्या विजन चाहते हैं आगे, जिस तरह से वो पूरे कस्टमर की तरफ ओरिएंट रहे कि भाई उसको एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करना है कंपनी में। इसके बाद हमारी टीम की मुलाकात हुई साया ग्रुप के डायरेक्टर मनोज जैन से, जिन्होंने इस ग्रुप के असली उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। कभी आप एनसीआर आइए, यहाँ पर आपको हजारों ऐसे बिल्डर्स मिल जाएंगे जो आपको वादा करेंगे दावे के साथ कि वो आपके सपनों के आशियाने को धरातल पर उकेर देंगे। इन वादे दावों के बीच ऐसा क्या है कि अधिकतर बायर्स साया के साय में रहना चाहते हैं? आइए यही जानते हैं। साया ग्रुप के डायरेक्टर मनोज जैन जी हमारे साथ हैं। कब साया ग्रुप की शुरुआत हुई और कैसे आपने लोगों के सपनों को धरातल पर उकेरने का काम शुरू किया? देखिए, साया ग्रुप जो प्रमोट किया है वो मिस्टर विकास भसीन, जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने प्रमोट किया। रियल इस्टेट में मुझे लगता है कि उनकी कैरियर की शुरुआत रियल इस्टेट से हुई, रियल इस्टेट ही उनका सपना था। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स में वो 2009 में आए, उन्हें लगा कि रियल इस्टेट में एक्चुअली अगर लोगों को घर देना है तो वो खुद एक हाई राइज बिल्डिंग का जो सपना है लोगों में, वहाँ फ्लैट बना के उनको कंप्लीट करके दिए जाएँ। केवल लैंड डील्स करना या फ्लैट्स की खरीद फरोख्त करना ही कंप्लीट नहीं है, घर का घरों का आशियाना अगर कंप्लीट करना है तो उन्होंने एक विजन क्रिएट किया कि मेरे को आने वाले टाइम में हाई राइज बिल्डिंग्स का पे काम करना है और उस पर अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन क्रिएट करके लोगों को देना है। वो चीज़ आज तक उसमें उनमें मैं देख रहा हूँ। सवेरे 8 बजे वो हमारी साइट पर होते हैं, सबसे पहले वो मैं देखता हूँ, अपनी पूरी साइट की टीम से एक एक आदमी से मिलते हैं कि आज का प्लान क्या है, 2 घंटे पूरा साइट पे लगाने के बाद फिर दूसरी साइट पे जाते हैं और उसके बाद ही कहीं वो ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस में आते हैं। फिर ठीक है, वो जो कॉरपोरेट ऑफिस की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, मीटिंग्स हैं, बैठकें हैं, वो करते हैं और शाम को जाते हुए एक बार वापस से वो अपनी साइट पे जाते हैं। इतना लगाव होना साइट से, इतना एंथुजियाज्म होना अपनी साइट के लिए, इतना प्यार होना अपनी साइट के लिए, वो हम देखते हैं हमारी हर बिल्डिंग में झलकता है। ऐसा क्या देते हैं आप कि अधिकतर जो बायर्स हैं वो साया से जुड़ना चाहते हैं? देखिए, बायर्स का जो भरोसा है
वो जीतने के लिए साया की थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे को मेरे ख्याल से समझनी चाहिए। पहला हाई राइज जो बिल्डिंग हम लेके आए डिज़ायर रेजिडेंसी के नाम से, टारगेट टाइम था 2009 में ये बिल्डिंग आया था, टारगेट पीरियड था सितंबर 2011 और वो उससे पहले लोगों को डिलीवर हुआ, तो वहाँ से भरोसा आना लोगों को क्योंकि पहला एक साया का बिल्डिंग था। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब सेकंड प्रोजेक्ट शुरू हुआ साया जैनिथ के नाम से इंदिरापुरम में, जो CISF कैंप रोड पे है। लोकेशन उसकी बहुत अच्छी थी, लोगों को लोकेशन पसंद आई, फिर लोगों को ये भरोसा था कि पिछला प्रोजेक्ट इन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किया है तो ये भी ऑन टाइम डिलीवर होगा। प्रैक्टिकली वो ऑन टाइम डिलीवर हुआ, 444 उसमें फ्लैट बने, 7.5 लाख स्क्वायर फुट का वो डेवलपमेंट था और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पर निकल के आया और लोगों को बहुत बेनिफिट वहाँ पे हुआ, लोगों को पसंद आया। तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन में, उसमें 760 फ्लैट बनाने का प्रोग्राम था, 680 फ्लैट्स की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिफोर टाइम साया को मिल चुकी है, ये एक और साया के एक इजाफा हुआ उसमें, तो लोगों का भरोसा और बढ़ा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे मनोज जी कि साया ग्रुप के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं NCR में कहाँ कहाँ हैं? देखिए साया गोल्ड एवेन्यू जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंदिरापुरम में जस्ट अपोजिट शिप्रा मॉल, इंदिरापुरम मीन्स NH 24 से लगता हुआ जो मॉल है शिप्रा मॉल, वहीं पे ये प्रोजेक्ट है। इसको शिप्रा सन सिटी या वैभव खंड हम बोल सकते हैं, ये इंदिरापुरम का एक बेस्ट एड्रेस मैं इसको बोल सकता हूँ। और एक दूसरा प्रोजेक्ट हम रिसेंटली जो लॉन्च किए हैं वो भी इसी की विसिनिटी में 250 मीटर सामने, मतलब इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, बहुत अच्छा मॉल है जो बना हुआ वहाँ पे, हैपनिंग प्लेस है, एवरी संडे वहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ भाड़ अपने को देखने को मिलती है, वीकेंड्स में बिल्कुल उसके सामने है। तीसरा प्रोजेक्ट हम बात करते हैं साया जियोन, जो नोएडा एक्सटेंशन गौर सिटी के जस्ट एंट्रेंस पे है, सबसे पहला प्रोजेक्ट है, उसको हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोलते हैं, सेक्टर 4 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, लेकिन उसकी पहचान ऐसे है कि नोएडा से हम आते हैं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको साया जियोन नजर आता है। जिसके बाद शुरू हुआ सिलसिला रियल्टी चेक का और हमारी टीम सबसे पहले पहुंची साया ग्रुप के साया गोल्ड एवेन्यू में जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत उसकी लोकेशन है क्योंकि आसपास की लोकेशन बेहद सुंदर है और साथ ही वर्किंग डिस्टेंस पर ही सब कुछ उपलब्ध है, साथ ही मॉडर्न कोरियन टेक्नोलॉजी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इसमें ईंट का इस्तेमाल नहीं होता, ईंट की जगह दीवारें कंक्रीट की बनी होती हैं। पूरे फ्लैट की ढलाई एक साथ होती है जिससे ये ज्यादा भूकंप रोधी बनते हैं। लगातार तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और 2019 तक निवेशकों को मिल भी जाएगा। साया गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट जो इंदिरापुरम में है, 1620 यूनिट है, 25 लाख स्क्वायर फुट इसमें कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे भी लोगों को चूंकि वो भरोसा था, साया गोल्ड एवेन्यू जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंदिरापुरम में जस्ट अपोजिट शिप्रा मॉल, इंदिरापुरम मीन्स NH 24 से लगता हुआ जो मॉल है शिप्रा मॉल, वहीं पे ये प्रोजेक्ट है। इसको शिप्रा सन सिटी या वैभव खंड हम बोल सकते हैं, ये इंदिरापुरम का एक बेस्ट एड्रेस मैं इसको बोल सकता हूँ। इसी दौरान हमारी मुलाकात साया गोल्ड एवेन्यू के निवेशकों से हुई जिन्होंने साया ग्रुप के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की वजह बताई। देखिए जब साया में घर लेने की बात हुई थी तो मैं केवल साया के नाम पे नहीं गया, मैंने साया का पिछला काम देखा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बिल्डर एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो उसका पहले बैकग्राउंड चेक होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इनके प्रोजेक्ट्स को देखा, पास प्रोजेक्ट्स को देखा, तो उसमें मैंने देखा था डिज़ायर रेजिडेंसी और हाल ही में डिलीवर करा हुआ प्रोजेक्ट साया जैनिथ, तो मैंने देखा वो दोनों प्रोजेक्ट थे टाइम से डिलीवर हुए थे, इनफैक्ट टाइम से पहले डिलीवर हुए थे, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जाने वाला हूँ तो मुझे टाइम से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो एक ये बड़ा रीज़न था साया में इन्वेस्ट करने का। दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि जिस लोकेशन से वो आए थे प्रोजेक्ट को लेके, वो बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, वो ऐसी लोकेशन थी जिसको आप मना नहीं कर सकते थे। तो ये दो बड़े रीज़न, एक तो इनका कमिटमेंट टाइम से डिलीवर करने का और जो ऑफरिंग है इन द टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड द बिल्ड क्वालिटी वो बहुत अच्छी थी। यदि देखा जाए इंदिरापुर में यदि किसी ने रहना है तो ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिटेड है, जो लोग दिल्ली में गुड़गांव में या फरीदाबाद में जॉब कर रहे हैं और उनको एक अच्छी क्वालिटी का घर चाहिए जहाँ पे क्वालिटी वाला घर हो प्लस उसका प्राइस भी अप्रिसिएशन हो सके। इंदिरापुरम इज़ द बेस्ट प्लेस एंड साया इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर एज ऑफ नाउ।
सी साया के बारे में आज की डेट में आप देखो, साया चारों तरफ से काफ़ी सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, DPS है, कैम्ब्रिज है, एंड काफ़ी सारे अपकमिंग स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साया के सामने ही शिप्रा मॉल है, प्लस पीछे जयपुरिया का मॉल है। तो एज ऑफ नाउ यदि किसी ने वॉकिंग डिस्टेंस पे निकलना है शाम के टाइम विद फैमिली, विदाउट फैमिली, विदाउट एनी फियर, आप रात को 12 बजे तक सराउंडिंग में टहल सकते हो और आप हेल्दी एटमॉस्फेयर ले सकते हो। इसमें मॉड्यूलर किचन्स हैं और आपका दूसरा है कि कुछ अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर 3 BHK तो उसमें 2 वॉल टेक्सचर्ड पेंट्स हैं और टाइल्स हैं, सब कुछ जो रहता है वो। और जो मेन चीज़ है इसमें जैगुआर का फिटिंग्स है उसमें, और वारमोरा के आपके सैनिटरी वेयर्स हैं। तो नॉर्मली जो बोला गया है, इट्स नॉट अ वेरी हाई एंड लग्जरियस, पर हाँ लोकेशन की वजह से आई विल कंसिडर कि ये उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फुली सेटिस्फाइड है? हाँ, हम सेटिस्फाइड हैं। हाँ, फुली सेटिस्फाइड है क्योंकि मेरे फ्लैट्स और भी हैं NCR में, वहाँ कई जगह दिक्कतें आ रही हैं, जैसे मेरे भतीजे का है अमरपाली वगैरह में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, लेकिन यहाँ तो बहुत सही है। अच्छा लगा, अंदर से भी अच्छा है, एकोमोडेशन अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है, और जल्दी भी तैयार कर दे रहे हैं, फुली सेटिस्फाइड है। हाँ, हमारी टीम का कारवा अब आ पहुंचा साया ग्रुप के एक प्रोजेक्ट साया जेनिथ पर, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है। इंदिरापुरम के प्राइम लोकेशन पर बना ये प्रोजेक्ट वाकई लाजवाब है। इस प्रोजेक्ट के 3 टावर में 450 फ्लैट से है। ये करीब 4.5 एकड़ में फैला हुआ है और करीब 450 के आसपास फ्लैट है। ये जिम, स्विमिंग पूल, जकूजी, सोना, स्टीम बाथ वगैरह सभी चीजें जो सोसाइटी में होनी चाहिए। साया जेनिथ में स्विमिंग पूल से लेकर जिम और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्लब हाउस भी है, साथ ही करीब 600 कार की पार्किंग का भी खासा स्पेस है। यही ने प्रोजेक्ट के बाहर ही कई नामी गिरामी कंपनियों की शॉप भी है। उसमें 3 टावर हैं, A1, A और B। इसमें 450 फ्लैट्स हैं और इन रेजिडेंसों के लिए अराउंड 600 पार्किंग स्लॉट्स हैं, जिनके जिसमें गाड़ियां बेसमेंट में, 2 बेसमेंट हैं और 2 गाड़ियां उसमें गाड़ियां रह सकती हैं। स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस हैं, क्लब हाउस में वहां पे जो भी रेजिडेंस रहते हैं उनके लिए वहां पे पार्टी वगैरह करने के लिए वहां पे सुविधा दिया हुआ है, पार्टी हॉल है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक प्रणाली पर आधारित है। हमारे यहाँ एंट्री जब होती है तो स्मार्ट एंट्री करते हैं हम सिस्टम में, जिसका मैसेज एक मैसेज OTP आता है, जो अगर जो भी विजिटर आता है उसकी एंट्री जब होती है तो उसके मोबाइल पे OTP आता है, और दूसरी जो है जिनके यहाँ पर वो जाते हैं फ्लैट ओनर उनके मोबाइल पे मैसेज प्लस फ़ोटो भी जाता है, और दूसरा जो है गाड़ियों की जब एंट्री हम करवाते हैं तो हमारे यहाँ RFID लगा हुआ है जिसका टैग लगता है गाड़ी के अंदर, तो जैसी गाड़ी आप गेट पर आएगी तो अपने आप वो बैरियर खुल जाएगा RFID सेंस करने के बाद। पूरे प्रोजेक्ट का रियल्टी चेक करने के बाद हमने वहां के रेसिडेंट से बात की और प्रोजेक्ट की हकीकत जानी। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टाइमली अगर कुछ हम लोगों को लगता भी है कि हाँ हमारे को मतलब सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है कुछ ऐसा है तो चेंज कर दिया जाता है, लाइक अभी पीछे सिक्योरिटी पूरी चेंज हुई है तो लाइक हम लोग सेटिस्फाई हैं कि हाँ हम लोगों को अगर कहीं कोई कंप्लेंट्स हैं तो उसको वो लोग बाद में चेंज कर देते हैं। लाइक मैं अगर चेंज करना हो साया को तो मैं जल्दी से कन्विंस नहीं होती हूँ, बिकॉज मुझे ये माहौल नहीं मिलता, बच्चों के लिए भी सेफ्टी है तो अकॉर्डिंगली। एक्चुअली मैंने इस साया के अलावा साया जियोन में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मैं यही कहना चाहूँगी कि कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिलीवरी ऑन टाइम है। नहीं, सिक्योरिटी तो अच्छी है, सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड। हमने अपने रियल्टी चेक में पाया साया जेनिथ के रेजिडेंट पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। उनको वो तमाम फैसिलिटी वाकई में मिल रही है जो उनको साया ग्रुप ने वादा किया था। अब हम आ चुके हैं साया ग्रुप के एक शानदार प्रोजेक्ट साया जियोन पर, जहाँ आज हम रियल्टी चेक करेंगे इस प्रोजेक्ट का, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ के रेजिडेंट को दी जा रही है, साथ ही एंड यूजर्स से भी हम बात करेंगे। चलिए बढ़ाते हैं अपना ये सफ़र।
नोएडा एक्सटेंशन में बने साया जियोन के अंदर का एनवायरनमेंट शांत और मन को सुकून देने वाला था। उसकी खूबसूरती के साथ ही ग्रीन एरिया किसी का भी दिल जीत ले। इसके अलावा कई और खूबियों वाला है साया जियोन, जिसमें जिम से लेकर स्विमिंग पूल और क्लब हाउस से लेकर प्ले राउंड तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे हमारे 760 फ्लैट है। हमारी जो एंट्रेंस है वो बूम बैरियर लगा हुआ है वहाँ पे, और लास्ट में हमने बैडमिंटन कोर्ट दिया हुआ है, और मल्टीपर्पज़ कोर्ट है हमारे पास बैडमिंटन में और बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए यहाँ पे, और बच्चों का चिल्ड्रन एरिया है, और एमपी थिएटर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। हमारा क्लब है, पार्टी हॉल है, और जिम बनाया हुआ हमने इसका। इन तमाम सुख सुविधाओं के रियल्टी चेक के बाद हमने बात की साया जियोन के रेजिडेंट से। फैसिलिटीज़ तो यहाँ जैसे क्लब है, स्विमिंग पूल है, और जो भी एक आम फ्लैट वालों को ज़रूरत होती है सारी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट इनका बहुत पसंद आया कि जैसे जो ग्रीन एरिया है उसके साथ में इन्होंने ये स्टिल्ट एरिया जो दिया है, कायदे से ये पार्किंग में और बिल्डर यूज़ करते हैं, बट इन्होंने इसको ओपन रखा है जो कि बच्चों के खेलने के लिए और बुज़ुर्गों के चलने के बैठने के लिए काम आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा यूनिक लगा, और यहाँ पे आसपास कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस दौरान साया ग्रुप के डायरेक्टर मनोज जैन ने साया ग्रुप के तमाम प्रोजेक्ट्स की रीच और साथ ही उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा भी बताया। देखिए, साया के अभी तीन प्रोजेक्ट्स हैं रनिंग की मैं बात करता हूँ, तो साया गोल्ड एवेन्यू, साया एस क्लास और साया जियोन। तीनों में ही मध्यवर्गीय परिवार, उच्च मध्यवर्गीय परिवार दोनों को हमने ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 50 लाख रुपए के आसपास शुरू होता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्लोर एंड ऑल दीज थिंग्स, और 1.25 करोड़ रुपए तक का वो फ्लैट हम बनाते हैं यहाँ पे। तो पिछली 4 साल की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो साया के प्रोजेक्ट्स में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए थे, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो मोर देन 200%, करीब करीब 2 गुना से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। और अभी की बात करें, अभी अगर कोई लगाता है और आने वाले टाइम में उसको क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, प्रॉमिस तो हम नहीं कर सकते रियल एस्टेट के मार्केट में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं। एक तो साया का नाम जुड़ा है लोकेशन की वजह से, कि एड्रेस जुड़ा है, NH-24 का वाइडनिंग जुड़ा हुआ है, इंदिरापुरम जैसी लोकेशन जहाँ पे फुल्ली हैबिटेटेड आपकी सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ रह रहे हैं, बड़े अच्छे स्कूल्स यहाँ हैं और मॉल्स यहाँ हैं आपकी वॉकिंग डिस्टेंस में हैं, और बहुत अच्छी लोकेशन में आपको यहाँ पे जो घर कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी मुझे लगता है अगले 2 साल में 200% की बात नहीं कर सकते तो 70% का आप इजाफा यहाँ देख सकते हैं। तो ये था पूरा सफर साया का, आपका हमसाया बनने का, जिसकी कि हमने बारीकी से पड़ताल, हमने साया ग्रुप के डायरेक्टर मनोज जैन जी से भी बात की, और उनके वादों और दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए पहुंचे हम साया ग्रुप के तमाम प्रोजेक्ट्स पर। जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है वो कब तक डिलीवर होंगे और कब क्या क्या फैसिलिटीज उसमें मिल रही है ये भी हमने जाना, और जो प्रोजेक्ट डिलीवर अब तक हो चुके हैं उसमें क्या कुछ फैसिलिटीज दी जा रही है ये जाना हमने वहां रहने वाले रेजिडेंट से, जिसके बाद हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि साया ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे इस रियलिटी चेक में साया ग्रुप पास हुआ है। रियलिटी चेक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर आपके सामने किसी और बिल्डर के रियलिटी चेक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।